नमस्कार मंतव्य को स्वागत करुछु मो शक्ति भुवनेश्वर रे जहाँकि एक नंबर स्मार्ट सिटी बोली गर्व करुछंती राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी रे कृत्रिम बन्या हैला एवं मुकुला ड्रेन रे भासी जाय कि जड़े दशम श्रेणी छात्र रो मृत्यु घटिला ये प्रथम घटना नुहे ये बारंबार प्रतिवर्ष इभली भाबरे बन्या हेउची एवं ड्रेन मुकुला पड़ुची तापर बड़ा बड़ा प्रतिश्रुति दौछंती बड़ा बड़ा दंभक्ति बाढ़ुछंती राज्य सरकार सरकार मंत्री बीएमसी रा अधिकारी बीएमसी रा मेयर किंतु तापर जहाँकू सया परवर्ष पूर्ण जीवन जाऊँगी 2015 मसीहारू लगातार भाव में धारा जारी रही 2015 पुपुन नामक एक बालकर जे कि मार हाथ धरी आसुला मुकुला ड्रेन में भासी जा मृत्यु घटी अनेक समालोचना है राज्य सरकार कहले बीएमसी कहला एणिकी आउ भूल हेनी मुकुला ड्रेन आउ खोला पड़बन सबू सुधारी देवु नगर उन्नयन मंत्री कहले किंतु तापर भी जहाँ से प्रति वर्ष यही भाव में जीवन गोटे पर गोटे जा गत काली निखोज थिबा ज्योति प्रकाश दशम श्रेणीर छात्र तांकर मृतदेह मिली किंतु एटी बड़ा प्रश्न छिड़ा हो ये कौन गोटे दुर्घटना ना ये प्रायोजित हत्या ये प्रायोजनकारी किए ये प्रायोजनकारी बीएमसी नगर उन्नयन विभाग स्मार्ट सिटी कर्तृपक्ष ए समस्ते मिलित भावरे ज्योति प्रकाश को हत्या करदे कि ये प्रश्न आज करुछंती राजधानीवासी ये प्रश्न करुछंती मृत ज्योति प्रकाश रा परिवार लोके एवं एभली एक संवेदनशील घटना रे एभली एक स्पर्शकातर घटना रे अति संवेदनहीन मंतव्य रखुछंती जे कि बीएमसी रा दुई दुई तर मेयर रही सारी एवं वर्तमान विधायक अच्छा अनंत नारायण जेना कहते जे वर्षा समय रे कई घर बाहर को बाहर ना राजधानीवासी जितेबाला वर्षा हे पूरा राजधानी कौन से ठप हो कई किम करेनि वर्षा दिन आसे सबकि बंद कर दिजा वर्षा दिन तो सब बड़े वर्षा हे एवं वर्षा हेला माने तो राजधानी रे एभली स्थिति ये कि दुर्भाग्यजनक मंतव्य दौंट निज दोष निज मुंड को नवा बदल भूल मानवा बदल बर कहते समय कहीं बाहर को बाहर राजधानीवासी एवं दुर्भाग्यजनक घटना घटुची जे असंतोष को चापी पर लोके जितेबले पोस्टमार्टम बाहर गृह बाहर गेट पाखे अपेक्षा करते निज पुअर मृतदेह आसब पर लोके शेष थर पर देखिए अंतिम संस्कार पूर्व बापा एवं बंधु बांधव परिवार लोके अपेक्षा कर मृतदेह को पछ गेट बाटे घर को नापी उद्यम कर दुई दुई जन विधायकों उपस्थित रे घटना घटू एक तो ये प्रायोजित हत्या किंतु दोष मुंडाइवा बदल लोक दायी करा लोके कहीं बाहर को बाहर वर्षा समय भुवनेश्वर सारा कृत्रिम बन्या तैयारी करेंगे वर्षा दिन लोक मैंने कबाट खेल के घरे रे एक आप चाहते वर्षा दिन सब कम बंद हो प्रसंगे आज मंतव्य आम सहित जोड़ी होती दिलीप महांती भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र जे कि भुवनेश्वर समस्या सहित जड़ित दिलीप बाबू जो कथा आज भुवनेश्वर जड़े विधायक कहते जे जितेबाला वर्षा होते रास्तार पा जमुची लोक मैंने घरे रुंतु लोक मैंने सतर्क रुंतु आम आपन को सतर्क करुचु बारंबार अर्थात सीए मानवा को प्रस्तुत नुहति जे ये प्रशासन ये बीएमसी अवहेलार जो ये घटना घटी सीए कहते लोक मानकर सतर्कता अभाव लोक मानकर असचेतनता कारण ज्योति प्रकाश मृत्यु है आप जवाब रखिए प्रसंगे किंतु ता पूर्व प्रथम आसतु शुणी ना कौन कहते विधायक अनंत नारायण जेना जे कि दुई दुई थर मेयर रही भुवनेश्वर मध्य विधायक अच्छा परिवार को संवेदन जनाचु भगवान प्रार्थना करुचु आम समस्त आशा करूँ कौटी निश्चित से थाओ बोली आज ये भाया गोटे घटना आम समस्त मर्माहत और दुख केते गोटे जगार जो अच्छे निश्चित सब विभाग को डाक आलोचना कराया पड़ो और जी जो दायित्व अच्छा कन्स्टिट्यूएंसी निश्चित रूपए ताप्रति आहरी सजग रहा पड़ा और से ड्रेन गुड़ाक
तुरंत जो सेकेंडरी ट्रसर ड्रेन अच्छे तार कवर स्लाब करने सांगे सांगे जो अच्छे चार लक्ष टा जो अच्छे एमरजेन्सी पाइबे निश्चित आलोचना करता हूँ। ये घटना प्रथम नुह यदि प्रथम होता आम कौटि भूल रहा कौ ठीक रहा से कथा चिंता करते छ वर्ष भितर कौटिना कौटि सतटा मृत्यु पार्वण पूर्व बोली पकईला भाया जमी आम शुणी आगुरी बोली प्रथा थी पार्वण पूर्व तो संवेदनता जनावि पर कहते आम व्यवस्था करूँ समस्त को डाक कथा हबु दस वर्ष काला आप जो मेयर थे कुआडे जाते कहीं कथा विधायक आपण अच्छा तीन वर्ष है कहीं कथा जितेबाला जीवन चली जाऊँ जनक पर जड़े कौन एवं डाक कथा चित दिलीप महांती प्रतिक्रिया रखु देखु ये जो कथी आपण चेल देखले आपको शुणापुर लगुच जड़े विधायक एभली एक दायित्वहीन मंतव्य आभली एक मर्मस्पर्शी कथार करुण कथार दुख कथार यह दायित्वहीन मंतव्य अत्यंत दुखदायक प्रकृत में कहीं ये दायित्व नवाप राजी नुहंती बड़ विचित्र स्थिति ये विजु जनता दल सरकार रे राजधानी सहर दायित्व किए नब ये आज प्रश्नवाची ठिया है लानी राजधानीवासी सुरक्षा किए दब ये अन्यतम प्रश्नवाची ठिया है ये गोटे घटना घटने दीर्घ पांच छ वर्ष धरिकी ये बना हवा ये सरकारी लोक माने प्रशासनिक अधिकारी कृत बन्या बीजेडी राजनेता मानक हाथरे तैयारी होता ए प्रकार अण योजना कार्यक्रम द्वारा बन्या तेणु ये प्रकार बन्या तैयारी करी भुवनेश्वर रे राजधानी सहर रे लोकों को हत्या करिबा ये गोटे निरंतर प्रक्रिया हो सारा विजु जनता दल सरकार ये सरकार जेहेतु भोट लोक दौंती सी क्षमत आसुंट अहंकार शीर्ष में पहुंची आड़ी ना निशुणी ना प्रश्न नहीं सी क्या उत्तर देवे ना रूप अहंकार चरम सीमार पहुंची नाई निजर भूल मानवा बदल लोक परामर्श दे न था लोक मैंने घर बाहर को बाहर वर्षा समय एक कथा जड़े शासक दल विधायक जे कि भुवनेश्वर विधायक अच्छा दुई दुई थर मेयर रही सारी से भाई मंतव्य रखुच्च दिलीप बाबू आसबि ए घटना को आम कहे ये दुर्घटना नुहे ये एक प्रायोजित हत्या ये हत्याकारी बीएमसी हत्याकारी महान नगर उन्नयन विभाग स्मार्ट सिटी कर्तृपक्ष ये समस्त ये हूँ अवहेलार कारण जो कि गोटे पर गोटे जीवन जाऊँगी मनोरंजन दास आम सहित कांग्रेस मुखपात्र मनोरंजन बाबू ए घटना को आम दुर्घटना कहनु ज्योति प्रकाश मृत्यु एक प्रायोजित हत्या ये आप सहमत ना ना देखु ज्योति प्रकाश गोटे निरीह छात्र तार से पाठ पढ़ा खेल जेप भाव में जवा कथा प्रतिदिन से भाव में बाहरी किंतु आम आज या भाव में दुर्घटना बोली कहवा जदि तार गाड़ी दुर्घटना होता कौटे आक्सीडेट होता दुर्घटना आम कही पारे किंतु आपको गोटे नवाक पड़ो तो प्रायोजित हत्या बोली षड़यंत्र कह पड़ कारण ये प्रसंगे बारंबार आम विभिन्न समय विभिन्न चैनल प्रति वर्ष वर्षा समय भाव में जल जलबंदी हो नयापल्ली छात्र भासीगले आपणकर आज गत काली पिलाटी भासीगला बहु जगार गाड़ी भासुची रास्तार लोक भासुंट ड्रेन भासुची घर भासुची या आम केमती कह तो प्रायोजित जिनस आकु सृष्टि करा जाय छी बीएमसी करी छी बीडीए करी विधायक कहउ छथिं वर्षा जते बळे होउ छी पानी रास्ता रे चालु छी लोके घरे रुहंतु नाही ए गोटी आउ गोटी माने थटा परियास रे विषय वस्तु लोक जे कर्तव्य करबा को बाहर छी तार जीविका मेंटेबा पे बाहर छी घर रो दायित्व नवा पे बाहर छी समाज रो दायित्व नवा पे बाहर छी से घरे बसियो कि परी वर्षा हवा अर्थ घरे बसिया पे नुए वर्षा हवा अर्थ जे छता नै कि जीवो किए तार प्रिकॉशन दै कि जीवो गाडी रे जाउ छी किए सेल्टर नौ कौटी छत तले ठिया कि घर बाहर ना अर्थ ताने ये गोटे आतंकवादी सृष्टि करमर जहाँ हूँ आपण मैंने क्षांत रुंत वर्षा हेल्ले घर रही है ये गोटे अलग प्रकार जुक्ति नुआ उपस्थापित करके कई भी सर्ज करें मु तो कहूँ भुवनेश्वरवासी केमती सब सही जाऊक आज स्मार्ट सिटी कथा मत उठू बीएमसी कथा उठू सेते योजनाबद्ध भाव में कम कर ड्रेन मुकुला पड़ी ड्रेन भासुची पूरा ड्रेन संकुचित तो है पिला भासी जाऊँ लोक भासी जाऊँ धन जीवन भासुची डेंगू आज व्यापुची से पानी स्टोरेज
ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସେମାନେ କ୍ଷାତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ନିଜର ଦୋଷ ଅପାରତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଦୁଃଖଦାୟକ କେବଳ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମେୟର ରହିସାରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବାହାର ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଘରୁ କାହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଆସୁଛି ଘରୁ ବାହାରିକି ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଇସ୍କନ ପାଖରେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଛି, ଜନଜୀବନ ନିରାପତ୍ତା ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସନ୍ଦେହାନ ଭିତରେ ଲୋକ ରହୁଛି। ୟା ଦେହରେ ପୁଣି ଏଇ କଥା, ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ଏଭଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପାଣି କିପରି ଖଲାସ ହବ, ଡ୍ରେନ୍ କଭରେଜ ହବ, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ରହିବ, ଡ୍ରେନ୍ ଚଉଡ଼ା ହବ। କାରଣ ବର୍ଷାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଛଅଟି ଜୀବନ ଗଲା, ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ପରେ ବି ଏହାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ, କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? କାରଣ ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହତ୍ୟା, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ମିଳିବା, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଅହଂକାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ମୋ ଶକ୍ତି ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସିରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆକାରରେ ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲି, କାମ ବି କରିଛି, ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ ଦେଖିଛୁ କେମିତି କାମ ହୁଏ ରାଜଧାନୀ ସହରରେ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି, ଦୁଇ ଚାରିଟା କଥା କହିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦିଗରୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କେମିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ PWD, ବାକି ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି BMC। BMCର କମିଶନର ହେଉଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଏଠି କାମ ହୁଏ। ଯେତେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି, ଯେତେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଯେତେ କାମ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ BMC କମିଶନରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ କାମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଛୁ କାଲି ଯେଉଁ FIR କଲୁ, FIR ଏଇଥିପାଇଁ କଲୁ BMC କମିଶନରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦୁଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିଏ ବି ଡ୍ରେନ୍ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇପାରିବନି, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ବି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କଲେ। ଡ୍ରେନ୍ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁଠି ସରିବ, ତାର ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିବ କି ନ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାର କରିକିରି ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକିରି ଡିଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ କରିବାର କଥା, ତା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ କାନ୍ଧ ଖସେଇବା କଥା, ଦାୟିତ୍ୱରୁ କାନ୍ଧ ଖସେଇବା ଭଳି କଥା, ମୁହଁ ଲୁଚେଇବା ଭଳି କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ଏ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳିକିରି ମରଣ ଯନ୍ତା କରିଛ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ, ସାଲିଆ ସାହିରେ, 8 ନମ୍ବରରେ ସବୁଠି ଲୋକେ ମଲେ। ସବୁଥରକ ତୁମେ ଶିଖିଲ, ସବୁଥରକ ଜାଣିଲ, ସବୁଥର କହିଲ, ଆଉ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କେବେ ଭୁଲ ସରିବ? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଯେ ଇଏ 5 ବର୍ଷରେ 6 ନମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁ, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ 6 ନମ୍ବର ଜୀବନ ଗଲା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାରେ, 7 ନମ୍ବର ଜୀବନ କେବେ ଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ନା ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ଘଟିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ହେଉଛି ରାଜୀବ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଟୋପାଏ, ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍। ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ରାଜୀବ ବାବୁ, ବିଧାୟକ
मध्ये विधायक कहते दुई दुई थर जे मेयर रही सारी सी कहते जे लोक माने घर रहा उचित ये समय लोक माने बाहर को बाहर जीवन जिते बड़े एवं दायित्व उत्तर दायित्व ये नब किए बड़ प्रश्न होचे एबे कहते जे एते छजर जीवन गला पांच वर्ष कहते आम कोऑर्डिनेशन जो मैंने अच्छा समस्त को कोऑर्डिनेट करके आम डाकबू मीटिंग डाकबू मुकुला ड्रेन को घोड़ा जावाई योजना करूँ ताल आगु कौन कहला आज पर्यंत कहीं ड्रेन गुड़िक मुकुला पड़ला किए यार उत्तर दायित्व नब ये बड़ प्रश्न उठू राजीव बाबू देखु मु आगुर मध्य कही जे वर्तमान जे भुवनेश्वर मध्य विधायक अच्छा श्रीजुक्त अंत नारायण जेना सीए दस वर्ष भुवनेश्वर मेयर भाव कार्य कर जदि भुवनेश्वर मेयर थिला बेले अनंत नारायण जेना ठीक भाव कार्य करी सरकार ठीक भाव कार्य करी मिछरे बाहा पिटुथिबा सरकार जो भुवनेश्वर को एक नंबर स्मार्ट सिटी कहुची हजार हजार कोटी टंका एठी हरिलुट जो जगार हेची तहले लोक एठी भलरे घर बाहर की भी जाते घर को मध्य फेरी था जेहेतु अंत नारायण जेना जड़े एमती जड़े विधायक आपथे ना पूर्वर संगीन अपराध संगीन अभियोग रही आसी तो सी एभली संवेदनशील जो मंतव्य दौंस जहाँकि जो पर गोटे छुआ भासी जाए मरी जा जो पर गोटे वृद्ध भासी जाए मरी जाते घर दुख मान तार पा को हर से मान तार आखिर लुह सुखुनी से जो विधायक दायित्वहीन मंतव्य निहाति रूपे कांग्रेस पार्टी निंदा कर कही रखा को चाहे खाली जो गत काली जो जगार पिलाटीए शिशुटीए भासीगला जो पंद्रह वर्ष पिलाटीए भासीगला खाली से नुह आज्ञा आप देखिए मुझे तो विधायक मंतव्य देखते कही रखा को चाहिए मध्य निर्वाचन मंडल विभिन्न जगार आप देखिए एका सांगे सब ड्रेनेज खोल जाइए कौ जगार काम कम्प्लीट कर कौ जगार जो ड्रेनेज हूँ कभर कर विधायक एवं किसी बिल्डर मान मिलित भगत रे ये बीडीए को पैसा दि जाए बहुत जगार बड़ बड़ अट्टालिका तैयारी कर जो कि स्वेरेज रवस्था ना जो कि प्रॉपर पार्किंग व्यवस्था ना से असराय वर्षा हेले बेंग मुतिले भुवनेश्वर बन्या सृष्टि होपण देखु ये भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडल आप देखिए मैक्सिमम जगार आपण जुआड़े जिबे सियाड़े असराय वर्षे आपण गाड़ी बुड़ जाऊँ आपण इनकम टैक्स ऑफिस जो बाणीबिहार छक इनकम टैक्स ऑफिस पाखकु जदि जिबे से ओवरब्रिज तले प्रतिदिन पांचटी रु दस टी गाड़ी से बुड़ी जाऊँ इंजिन सीज हो लोक मैंने से बचिक आसुच्चा आपण जदि आपणकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टर को पठेबे देखिए सेठी लोकल लोक मैंने गोटे टीम करके अच्छा जो लोक गाड़ी टी से पानी बुड़ी जाऊँ से ब्रिज तले दी हजार तीन हजार टाइम दावी करापर जाए लोक टी सी बचाऊ कि कौन बीएमसी को देखा जाऊ कौन विधायक को देखा जाऊ सरकार आखिमुजी सोई तेणुक दायित्वहीन मंतव्य दबाठ निहाती रूपे लज्जाजनक कथा कि ना मुझिमाण करी वर्तमान सरकार का पाखे जो बीएमसी कमिश्नर आखिमुजी सोई जो अधिकारी मैंने लिप्त अच्छा जो कंट्राक्टर मैंने लिप्त अच्छा तुरंत आक्शन दि जाऊ ना जो ड्रेन रे विगत पांच वर्ष धरी एत लोक मल्ले भुवनेश्वर एक आंदोलन सृष्टि कर उत्तर दायित्व नवापाई पछ घुंचा नौची जी निज मुंड को दोष नवापाई दोष जार सीए जदि निजर दोष मानवाक जदि प्रस्तुत नुहे ये आक्शन क्या विरुद्ध में नियाजी और नब किए हूँ बड़ प्रश्न दिलीप बाबू आपन को लगुच जे ए घटन ए घटना ये यार ये जबनिका पड़ब ये छठी रहा सात घटना भी आम देखा ए वर्ष हो कि आर वर्ष हो पुणी यही भाव में मुकुला ड्रेन जीवन जाऊ एवं यही भाव में संख्या बढ़ी बढ़ी चली थी ना जोड़ी हुई ही चली थी लोकों को परामर्श बांटुवे शासक दल नेता एवं लोक प्रतिनिधि जो माने कि दायित्व ये नहीं शक्ति बाबू आम से गत काली एफआईआर करीचु खंडगिरी थाना रे जे जो लोक मैंने ये हत्यार संपृक्ति रखी संपृक्त अच्छा अधिकारी माने जे ड्रेन तैयारी करुचंती खाल खमा करिचंती विभिन्न प्रकार मरण जनता सृष्टि को तैयारी करिचंती शहर भितर एमान को चिन्हट करिकरी तांको गिरफ करा जाऊ नहले
ए राजधानीवासी को सुरक्षा किए देव ये तो लोक प्रतिनिधि हिसाब से आम दायित्व नहीं सुरक्षा देवार दायित्व सी कांध खसई दौंस सी कौन ये लघु मंतव्य दौंस जो कथा दायित्व है ना मंतव्य दौंस से मोर चैनल रे आपन को मान्यवर मुख्यमंत्री महाशय हो राजधानी सहर बासिंदा ताकि प्रश्न ये जो छुआटी का चलीगला भासीगला सरकार रे अफिसर माने राजनेता मान द्वारा ये जो प्रकल्प ड्रेन खोला ड्रेन फुंगुला ड्रेन मुकुला ड्रेन जो तैयारी करिचंती जो छोट पिलाटी निरीह पिलाटी भासीगला चलीगला देहांत हो गला तार हत्या कर देले लागिकरी ए म्युनिसिपालिटी प्रशासक राजनेता माने से मारो मा को छुआ किए दब ताकू मुख्यमंत्री कौन उत्तर देवे ता मा को कौन उत्तर देवे मान्यवर मुख्यमंत्री ता पिला केबे फेरिबो ता पिलार क्षतिपूरण को भली भाव करिवे मुख्यमंत्री ये कथा गोटे घटना हेतले भिन्न कथा एक्सीडेंट बोली कह जाता लगातार भाव करुचंती वर्ष वर्ष धरी करुचंती खाली भारतीय जनता पार्टी नुहे शक्ति बाबू विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न राजनैतिक संगठन समस्ते ए कथा आपत्ति करिचंती ए कथा उठेचंती आज आम बीएमसी ऑफिस घेरौ करथिलु पांच दिन आठ दिन तले बीएमसी को चेतावनी देथिलु अन्य राजनैतिक दल अन्य सामाजिक संगठन माने आसिक चेतौथले ये चेता फेरुनी तेणु एथेर शतपत्र आणंतु मुख्यमंत्री एक घोषणा करंतु सरकार शतपत्र आणंतु भुवनेश्वर रे आ मृत्यु हेबो नै एवं ये जो ड्रेन गुड़ी गोटे कथा कौन दिलीप बाबू जो कथा आपण कहले राजनैतिक दल माने चेतौछंती घेराव करुछंती दाबी करुछंती आंदोलन करुछंती लोक माने मध्य तातिकी प्रतिक्रिया दौछंती किंतु ता परे भी फल सुन एक्शन हो नाही तार अर्थ कौन तार अर्थ होची एठिकार अधिकारी माने जो माने उद्धत अहंकार ए अहंकारी सरकार रो भरोसा रे उद्धत होती बांधिकी जेल फॉरवर्ड करंतु कोर्ट फॉरवर्ड करंतु जेल पठातु जड़े दिज अधिकारी जदि जेल चली जिबे ताले पूरा सिस्टम बागे जिबो आउ ए नेता माने जो खसिकी रोचंती दायित्व मुंडेया को राजी नुहंती कम से कम से इस्तफा दे दियंतु जे लोकंकर आशा भरोसा पूर्ण करि पारले नाही लोकंकु मिछ न कहिकरी कम से कम नैतिकता दृष्टि इस्तफा दे दियंतु आमे पारिलुनी सुरक्षा दे आम लोक ये सुरक्षित रखी पारलु ना तेणु आम दायित्व ओहरी जाऊ इस्तफा दे दिंतु ए नैतिकता ए नैतिकता मुंडेबार साहस कहार अच्छी ए नैतिकता मुंडेबार साहस कहार अच्छी जे कि इस्तफा दब जे एत बड़ घटना घटला एवं ये प्रथम घटना नुहे लगातार घटी चलिए आम नैतिकता नौ एम इस्तफा देवु ए सत्साहस अच्छी कहार राजीव बाबू अति संक्षेप आपंकर रिएक्शन नेबी जे आपण मध्य डिमांड करुछंती दिलीप बाबू डिमांड करथुले जे एक्शन कथा जेल पठा जाऊ एटा संभव कि एटा केबे हेछि ना हे पारिबो देखंतु काली जतबळे से छुआटी भासी जाईथला कांग्रेस पार्टी तरफ रु मध्य आमे डिमांड करथिलु जे ता घर को 50 लाख टंकार मुख्यमंत्री सहयोग रो हात बडांतु किंतु सेतिकिरे कथा रहिबो नाही आमे वर्तमान डिमांड करुचु जो कथा कहिले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कहिले जे अरेस्ट करा जाउ मु कहिबी जे सरकार जदि सचरे तांकर सचोट तार परिचय दबाकु चाहंती जदि सरकार सतरे चाहूचंती भुवनेश्वरवासी भलरे रुहंतु एवं एई भली भाबरे पुनरावृत्ति न घटो कोनोसी आउ गुटिए जीवन न चली जाउ तहले आमकु ए स्टेप नबाकु पडिबो जो अधिकारी माने एथेरे संश्लिष्ट अछंती जो कॉन्ट्रैक्टर माने आकु काम करिछंती एवं जो राजनेता माने एथुरु पीसी खाई यहाँ सहयोग हाथ बढ़ाई एमानंकु जदि इस्तफा न दिया जाए एमाने जदि अरेस्ट न होंती तहले भुवनेश्वर रे बारंबार एमिति घटी चली थिबो एहा एक दिन निहाती रूपे गोटे दिन गरीब लोक माने भुवनेश्वर वासी माने राजरास्त को ओल्लैबे सेतबेले सरकार निहाती रूपे मुंड नुआई को बाध्य सरकार मुंड नुआईबे कि न नुआईबे से बड़ प्रश्न सी तो प्रश्न होकर रहिबो किंतु ए घटना रे ये षष्ठ रे ये कथा सीमित रहिबो कृत्रिम बन्यार लोकंकर जीवन जीवा ये छ नंबर रे सीमित रहिबो ना सात आग को घटिबो आठ घटिबो एभली भाव रे समस्त देखि चालिथिबे एवं किंतु कोनोसी एक्शन हो नथिबो यार केबे अंत घटिबो केबे जवनिका पड़िबो केबे उत्तर दायित्व नेबे एथिरे संपृक्त जो माने प्रायोजित हत्याकारी को दंड विधान हबो कि एक्शन निया जीव कि जेल पठा जीव कि
जो माने जनप्रतिनिधि एथिपाई जो माने निज दायित्व कर्तव्य रे खिलाफ करिसंती नैतिकता मुंडई इस्तफा देबे कि ए बड़ा प्रश्न ए मंतव्य रे सामना को आसी बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए दिलीप बाबू और राजीव बाबू आपण मान मंतव्य समय होम कार्यक्रम मंतव्य को ये रखा नमस्कार।